मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये बिल जो सरकार ला रही है पूर्णतया असंवैधानिक और अव्यवहारिक है। अब वो मैं कैसे आपको समझाता हूँ कि सरकारी करेगी, हम इसमें इमरजेंसी को फ्री करवाना चाहते हैं, जबकि आप देखें तो सबसे ज्यादा जो चिकित्सक एक्सपर्टनेस की जरूरत होती है वो इमरजेंसी में ही होती है। तो इमरजेंसी को सरकार कैसे डिफाइन करेगी कि इमरजेंसी है या नहीं है? नहीं, बात वो नहीं है। मैं एक बार आपको मरीज का पक्ष समझाना चाहता हूँ कि मरीज जो चाहता है वो ये चाहता है कि मुझे इमरजेंसी में अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उसको इससे मतलब नहीं होता कि उसको फ्री ट्रीटमेंट मिले। सरकार क्या कर रही है कि फ्री ट्रीटमेंट के देने के चक्कर में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की गुणवत्ता को घटाना चाह रही है, क्योंकि जब आप फ्री ट्रीटमेंट का आप किसी के ऊपर फाउंडेशन डाल देंगे तो वो जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए उसको जो गुणवत्ता चाहिए वो गुणवत्ता वो हॉस्पिटल कैसे मेंटेन करेगा, आप मुझे ये समझाइए। मान लीजिए कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है जिसके अंदर पेशेंट बहुत हाईली अनस्टेबल है, अब उसको आईसीयू की भी जरूरत है, उसको उसमें हो सकता है कई डिपार्टमेंट्स की सर्जरी की भी जरूरत हो, मल्टी लेवल सर्जरी की जरूरत हो, ब्लड सरकार ने तो उसमें एक कोड बना दिया कि भाई हम तो इस सर्जरी का 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, पर उस केस में हो सकता है कि उसके लाख का भी खर्चा हो जाए। सरकार ने उसके पैकेज को, उसकी कॉस्ट को लिमिटाइज करके उसके ट्रीटमेंट की क्वालिटी को भी लिमिटाइज कर दी। हमारा ऑब्जेक्शन इसी बात पर है।